सारी जिंदगी खेले हम नंबर में, अब खेलना पड़ा कुल्लड़ में, जिसकी ए बी सी डी भी नहीं आती थी। जब मैंने चाय की बात अपने पार्टनर या अपने घर पे करी कि यार चाय का काम करते हैं, तो इज चाय का काम करेगा तू? गाजियाबाद के विजय जो 21 साल से फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे, पैंडेमिक ने उन्हें भी मजबूर कर दिया दूसरा काम शुरू करने के लिए, और आज वो चला रहे हैं इंदिरापुरम में कैफे ब्रोते, जहां मिलती है 30 से ज्यादा तरह की क्वर्की टी एंड कॉफी। अगले 2 साल में करीबन 50 से 100 के बीच में आउटलेट खोलने, ये टारगेट है। चाय और कॉफी तो हम सब पीते हैं, पर क्या आपने कभी ब्रांडी कॉफी, रम कॉफी, पान टी ट्राई की है? मेरा नाम विजय अरोड़ा, मैं गाजियाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ब्रोते, इसका ऑनर हूँ, और इसके साथ साथ पिछले 21 सालों से करीबन मैं अपनी बिजनेस एडवाइजरी एक कंपनी है उसको चलाता हूँ। शुरू से ही फाइनेंस, लीगल और नंबर में ध्यान था, तो नंबर में ध्यान था तो हम लोग चले गए कॉमर्स की साइड में। कॉमर्स में ही अपनी सारी पढ़ाई करी। इनिशियली हम लोगों ने शुरू किया मेरे घर के एक छोटे से कमरे से, जहां मैं अकेला ही था। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सब खुद करता था, मैं और मेरे साथ में मेरा एक पार्टनर। धीरे धीरे काम चला, क्लाइंट्स आते गए, कॉरपोरेट ऐड होती गई, फिर घर से निकल करके एक ऑफिस लिया गाज़ियाबाद में ही किराए का, फिर धीरे धीरे वहाँ एक अपना ऑफिस खरीदा, फिर दिल्ली में एक ऑफिस लिया अपना, फिर दिल्ली में एक अपना एडवोकेट चैम्बर लिया। काम बढ़ता रहा, ऑफिसेस बढ़ते रहे, टीम बढ़ती रही। मेरे ख्याल से ये बात होगी 20 मार्च 2020 की, जब लॉकडाउन लगता है। इनिशियली बड़ा अच्छा फील हुआ कि 21 साल बाद अब छुट्टियाँ मिलेंगी। इनिशियली पीरियड वॉज वेरी गुड। इनिशियली हमने भी सोचा कि जैसे हर कॉरपोरेट ने सैलरीज कम करी हैं, हम भी करेंगे। जहां सबकी खबर आ रही थी कि हर कॉरपोरेट अपने सैलरी स्ट्रक्चर को कर रही है डाउन, वहीं एक दिन खबर आती है टाटा की कि टाटा ने अपने स्टाफ की सैलरीज कम नहीं करी। उससे थोड़ा सा एनर्जी मिली कि अगर टाटा ने नहीं करी तो दूसरा नाम हम भी हो सकते हैं, चाहे छोटा ही सही। तो हमने कहा हम भी सैलरी कट नहीं लेंगे, और हमने अपने पूरी टीम की सैलरी कट नहीं करी। कुछ क्लाइंट्स से आया जो पीछे का पैसा था, कुछ सेविंग्स थी, और मेरी जो वाइफ है वो अर्निंग है, तो कुछ उसके सपोर्ट से काम चलता रहा। 21 साल से एक फर्म चलाते आ रहे विजय, जिनके अंडर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा कि उन्हें कुछ और करने का भी सोचना पड़ेगा, बट पैंडेमिक ने उनके सब प्लान्स बदल दिए। अगर चाय की बात करूं, चाय का शौकीन बहुत, बहुत चाय पीता हूं स्टार्टिंग से ही, लेकिन कभी ऐसा विचार नहीं आया कि फूड इंडस्ट्री में ही आऊंगा, ऐसा थॉट नहीं था। लेकिन जब मैंने चाय की बात अपने पार्टनर या अपने घर पे करी कि यार चाय का काम करते हैं, तो मेरे थॉट प्रोसेस में ये था कि चाय ऐसी चीज है जो एक्सेप्शंस अगर मैं छोड़ दूं तो इंडिया में सारे ही पीते हैं। मैंने अपने पार्टनर से एक दिन मैंने कहा यार ये काम करते हैं, करा क्या अगर चाय का काम करते हैं? तो इज चाय का काम करेगा तो? फिर एक्सप्लोर करते करते थोड़ा घूमना शुरू किया, और उस थोड़ा घूमने में इतना घूम गया कि शायद ही नॉर्थ का कोई स्टेट होगा जो मैंने छोड़ा और ट्रैवल करने। तो प्लानिंग शुरू हुई रिसर्च शोर शोर से चल रही है। विजय ने कम से कम 8 घंटे ब्रोके की रिसर्च और टैलेंट कर लिए। आप ये फाइनेंशियल एडवाइजर को रिस्क तो नहीं लेना चाहते थे, और इस लेते भी कैसे? उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क तो था फूड बिजनेस में पैर रखना। सारी जिंदगी खेले हम नंबर में, अब खेलना पड़ा कुल्लड़ में, जिसकी ए बी सी डी भी नहीं आती थी।
इनिशियल डेज में तो घंटों जो अच्छे कैफेज़ हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बाहर जैसे हमारे यहाँ स्टूल्स रखे हैं, उनके वहाँ स्टूल या मूड़े रखे होते हैं, 8-8 घंटे जाके बैठ जाना, ऐसे जर्नी स्टार्ट करी। लॉकडाउन खुला था, 1 जून से पूरा पूरा मार्केट में उतर गए। उसके बाद मुझे नहीं ध्यान कि फिर मैं कोई वीकेंड भी मेरा बीता हो मेरे घर पर, कोई दिन मेरा घर पर नहीं बीता, मैं हमेशा बाहर रहता था, मैक्सिमम टाइम ट्रैवल करता था। तो इतनी बात तो समझ में आई थी कि भाई तेरे पास दूसरा चांस तो नहीं है, डू और डाई, करो या मरो वाली स्थिति। विजय का कहना है दैट इट्स नॉट द वैरायटी ऑफ टी एंड कॉफी जिन पर उन्होंने फोकस किया, बट आल्सो सम अदर एस्पेक्ट्स दैट ब्रोते स्टैंड्स आउट फॉर इन द क्राउड, इंक्लूडिंग इट्स नेम। मेरा जो पार्टनर है विपिन, पार्टनर है, स्कूल फ्रेंड है, हम लोग 93 से एक साथ हैं। हमारी स्कूलिंग, हमारी कॉलेज, हमारा प्रोफेशन, हमारी प्रैक्टिस, सब कुछ साथ है। कोई नाम वाम वाले काम मेरे से नहीं होते। मैंने उससे कहा यार कोई बढ़िया सा नाम निकाल के दे। तो अगर आप आउटब्रेक को स्पेनिश में देखोगे तो वो है ब्रोते, BROTE। तो उसने एग्जैक्टली आउटब्रेक ही निकाल दिया, उसने ब्रोते ही कर दिया नाम। आपको देख के समझ आएगा कि ये चाय में एसेंस है या इसमें एक्चुअल जो मैं कह रहा हूं वो चीज है। अगर मैं केसर रोज की बात करूंगा तो मेरी चाय में आपको केसर और रोज की लीफ आपको मिलेंगी। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस चीज को उल्टा करा है। आमतौर पे सिटिंग आगे होती है और किचन पीछे होती है, मेरे यहाँ पे किचन आगे है और सिटिंग पीछे। ऐसा आसानी से आपको देखने को मिलेगा नहीं, और ये वो ही कर सकता है जिसे अपने ऊपर और अपनी चीज के ऊपर भरोसा हो। तो जैसे कि आप देखें मैंने काफी कुछ ऑर्डर किया है, और क्योंकि हम ब्रोते में और ब्रोते की स्पेशलिटी है उसमें चाय और कॉफी, तो मैं बता रही थी मैंने चाय में क्या क्या ऑर्डर किया है। ये है सुलेमानी टी, ये है केसर रोस्टी, ये है अल्कोहल फ्लेवर्ड कॉफीज, ये है रेड वाइन कॉफी, और ये है जेडी कॉफी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस बाय द वे। और ये है क्रशर व्हिच इज कॉल्ड लाइम एंड मिंट क्रशर। अब खाने की बात करती हूँ तो यहाँ पर है क्रंची केसरिया, ये है फुली लोडेड बेक फ्राइज व्हिच लुक्स रियली टेम्पटिंग, और ये है मेरा चीज बर्स्ट पिज्जा। दोनों टी की खुशबू ही इतनी अच्छी है, एक्चुअली आप डिफरेंशिएट ना खुशबू से भी कर सकते हो कौन सी वाली टी है। और अगर मैं दोनों की बात करूँ मुझे दोनों अच्छी लगी, लेकिन आई वाउच फॉर केसर रोस्टी, इट्स रियली टेस्टी। लेट्स ट्राई जेडी कॉफी। आई थिंक मुझे रेड वाइन कॉफी ज्यादा अच्छी लगी, ऑनेस्टली इट्स वेरी टेस्टी। कई बार जब परिस्थिति बदलना संभव ना हो तो मेरा सबमिशन ये रहेगा कि जो आपकी जो मनस्थिति है उसको बदल लिया जाए। अगले 2 साल में करीबन जी 50 से 100 के बीच में आउटलेट खोलना, ये टारगेट है।
जहाँ तक कंसल्टिंग कंपनी की बात है, वो जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी और धीरे धीरे आगे लब्ज बढ़ेगी। ये मोमेंट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसमें मैं तीन लोगों का नाम लूँगा स्पेशली, एक विपिन मेरा पार्टनर। तो जब मैं वहाँ से फोकस यहाँ किया तो कहीं ना कहीं उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट आना था, तो उसने कहा तू छोड़ के चल, मैं हूँ यहाँ पे कर लूँगा। वो एक सपोर्ट आता है मोरल। जब इसका काम चल रहा था तो मेरे फादर साहब, उन्होंने कहा तू जैसे ट्रैवल कर रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो जहाँ तुझे जाना है आना है तू जाता आता रहे, तू अपने काम करता रहे, यहाँ का काम छोड़ के चल, इसके लिए मैं हूँ। और मेरी वाइफ, जिस दिन का ट्रायल था और जिस दिन का लॉन्च था, ब्रोते की किचन को उसने लीड किया है। अपॉर्चुनिटी